हेलो गाइस, मायसेल्फ शिवम। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास इकोनॉमिक्स, एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट्स। और जो 12th क्लास के सिलेबस में हमारा जो पैटर्न यूज़ होगा, मैं उस पूरे पैटर्न पर आपको पूरी माइक्रो और मैक्रो करवाऊंगा। तो बातें थोड़ी सी हम बाद में करते हैं, पहले हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। तो इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताओ कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट। कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सोचो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सेम होते हैं, कुछ कह रहे होंगे कि डिफरेंट आस्पेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूँ, दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह डिफरेंट हैं। यानी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स बोथ आर डिफरेंट आस्पेक्ट्स। अब डिफरेंट कैसे हैं उसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल उठाना पड़ेगा। तो मैं आपको लिए एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगा इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखा, सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से कि मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं। सपोज कि आपके पास 1000 रुपए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उन 1000 से आप क्या क्या चीजें करना पसंद करोगे, तो आप पता नहीं 50, 100, 150, 200, 300 इनफाइनाइट चीजें मुझे बता दोगे। लेकिन मैं उसमें से कुछ छोटे से एग्जांपल चुनिंदा लूंगा। मान लो आप 1000 के पूरी की पूरी पार्टी करना चाहते हो, ठीक है, 1000 से पूरी पार्टी देना चाहते हो। इसके बाद मान लेते आपके मन में एक और कॉम्बिनेशन आ रहा हो कि हम तो 1000 से ना बुक्स खरीदते हैं, तो चलो भाई बुक्स का भी ले लेते हैं। फिर आपके मन में आ रहा होता कि नहीं, 1000 पे बुक्स वगैरह में खर्च करने से अच्छा मैं इन्वेस्ट कर दूं कहीं पर, गोल्ड सिल्वर डायमंड वगैरह के अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दूं। फिर आपके मन में आ रहा नहीं, मैं 1000 रुपये का ना शॉपिंग करना पसंद करूंगा, कि मतलब अपने चुनिंदा चीज़ों को खरीदना 1000 की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1000 रुपये आप रेस्टोरेंट में जाके डिनर वगैरह करना चाहते हो, लाइक मैकडोनल्ड्स में आप 1000 रुपये खर्च करके खाना पीना चाहते हो। अभी एग्जांपल में हमने 5 चीज़ें ली हैं। लेने को तो मैं एग्जांपल अभी बहुत सारे बना सकता हूँ, बट अभी फिलहाल मैंने 5 चीज़ें ली हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये 1000 रुपये मेरे पास 1000 है या 1000 करके 5 बार है? बिल्कुल सही, 1000 एक बार है। तो दिस वन थाउजेंड इज कॉल्ड बी अ लिमिटेड रिसोर्सेस। ये हमारे पास लिमिटेड है, जबकि ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो दिस इज अनलिमिटेड। क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन तो अगर मैंने अभी 5 बनाए तो आप 50, 100, 150 जितने चाहोगे बना सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। तो इस एग्जांपल में मैंने क्या समझाया कि अगर आपके पास 1000 रुपये तो आपके वॉन्ट्स कई सारी हैं, जिनमें से मैंने 5 वॉन्ट्स उठा लिए हैं। तो दिस 1000 इज कॉल्ड बी अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड दिस अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। सो इकॉनमी, ध्यान से सुना मेरी बात को, इकॉनमी इज ऑनली अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। दिस सिचुएशन आर कॉल्ड इकॉनमी। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इकॉनमी। तो क्या समझे आप कि इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। दिस सिचुएशन आर जनरली कॉल्ड एज इकोनॉमी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के हम सबसे पहले बात करते हैं उसकी डिफाइन की। तो मैं आपको डिफाइन यहां लिख रहा हूं, आप नोट डाउन करते रहना। इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर We have a limited resources and unlimited wants. Economy एक ऐसी situation है जहां पर हमारे पास limited resources होते हैं और unlimited wants होते हैं। आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह पर आपके पास limited resources हैं, लेकिन मन में इच्छाएं बहुत सारी हैं। तो this area is called via economy. इसीलिए हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब होता है अगर इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, मीन्स हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ये इंक्रीज होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन को
चूज कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे। अगर हमारी इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स जो लेवल है ये कम हो रहा है, जिससे हम अपने सभी कॉम्बिनेशन पर अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। इसीलिए एक इकोनॉमी के लिए बेटर होता है कि उसकी इकोनॉमी इंक्रीज हो। आपने सुना होगा पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी फिलहाल तो नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी या डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करी है। तो इकोनॉमी ग्रोथ करने का मतलब क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं चिल्लड़ बाटी वो बड़ी हो गई है? नहीं, उसका मतलब होता था कि जो हमारे पास पैसों का लेवल है ना, जो रिसोर्सेस हैं, ये इंक्रीज हो गए। क्योंकि जब ये इंक्रीज होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। एक बार फिर से करवा दूँ आपको, इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, दिस सिचुएशन आर कॉल्ड इकोनॉमी। तो आपको समझ आया? आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा होगा लाइट की वजह से, तो ये इकोनॉमी इज आ लिखा हुआ है, ठीक है? तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ना किया हो तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को कर लेना। अब हम चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट डिफाइन इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? चलो पूछो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठ कर मुझे बताओ, मतलब मन में सोचो कि अगर 1000 होते तो आप इनमें से क्या करना पसंद करते। मैं जानता हूँ आपके मन में कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा चल रहा होगा। बुक्स का तो सवाल ही नहीं उठता, इन्वेस्टमेंट अभी बच्चे हो यार, शॉपिंग लड़की थोड़ी है, और लड़कियाँ तो लड़कियों के लिए बेस्ट हैं, और मैकडोनल्ड्स फेवरेट, लेकिन पार्टी का मज़ा अपना ही अलग है। तो मान लो आपने पार्टी चूज़ किया, अब देखो आपके पास इतने सारे कॉम्बिनेशन थे, आपने पार्टी को चूज़ किया, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि पार्टी करने से जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बाकी चीज़ों से नहीं मिल रहा है। क्योंकि जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी आप उसी पॉइंट को अचीव करना पसंद करोगे। और मैंने अपने एग्जांपल में पार्टी को लिया है, तो मैंने एक मन में कैलकुलेशन की कि पार्टी करना इज़ बेटर फॉर मी आइदर परचेज ऑफ बुक्स, इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग और मैकडोनल्ड्स, इसलिए मैंने पार्टी को चूज़ किया। तो जो मैंने मन में स्टडी की टिप 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 कौन कौन सी चीज़ों में से कौन सी चीज़ चूज़ करूँ, वो पार्टी, क्योंकि पार्टी से मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो दिस स्टडी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक सिचुएशन तो होती है, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे डील करना है ये कौन सिखाती है? इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स मीन्स हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स, कि हमें अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करना है, इस सिचुएशन को डील करना कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। तो ध्यान देना, सिचुएशन को डील करना, या बोल सकते हैं हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वॉन्ट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो आपको बात यह समझे? अब मैं थोड़ी सी ना इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, और हिस्ट्री जरूर सुन लेना ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्वेश्चंस में आंसर्स का। तो देखो, पहले मैं कुछ आपको पहले मैं डिफाइन लिखवा देता हूँ, फिर वो पार्ट बता दूंगा, ठीक है? तो आप डिफाइन लिखना इकोनॉमिक्स की, हाउ टू डील द सिचुएशन, हाउ टू डील द सिचुएशन where we have a limited resources and unlimited wants। तो मैंने क्या लिखा कि किस तरह से सिचुएशन को डील करना है, कौन सी सिचुएशन जहां हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इसी को हम बोलते हैं अपने पास इकोनॉमिक्स। तो आपको इकोनॉमिक्स की टर्म समझ आ चुकी होगी, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? मैं इसे रब करता हूं पॉज करके, आप देख लेना आगे। और हाँ, मैं जितनी बातें करवा रहा हूं ना उन्हें सबको नोट डाउन कर लेना, इवन ये चीजें भी, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम वेबली पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपके नोट्स प्रिपेयर हो सकता है, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नोट्स काफ़ी हैं। और इसमें नोट्स में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? तो चलो,
अब ध्यान देना, ये जो इकोनॉमिक्स टर्म्स है ना, ये कहाँ से बना हुआ है, तो बात को समझना। ये इकोनॉमिक्स टर्म जो बना हुआ है, इसका ओरिजिन जो हुआ है वो हुआ है ग्रीक वर्ड से। एक हमारा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, जिसमें ये हुआ है। सॉरी, तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और ग्रीक वर्ड में इस इकोनॉमिक्स को मैं हिंदी वर्जन में डालता हूं तो उसका मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब ग्रैंडी जी से बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन यहां से है। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है हाउस होल्ड। तो एक जरा नोट डाउन करना, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, द टर्म इकोनॉमिक्स ऑस इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड मीन्स ओकी नोमिया विच मीन्स, जिसका मतलब होता है विच मीन्स हाउस होल्ड, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि हाउस होल्ड जिसका मीनिंग है, तो ये वहां से लिया गया है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है। तो ये पार्ट था हमारे इकोनॉमिक्स का, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट पार्ट अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स पर ही। तो आई थिंक आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया वो, तो मैं रब करता हूँ अभी से। अब हम बात करते हैं जो ये इकोनॉमिक्स हमने वर्ड पढ़ा है ना, ये कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप जानते हो कितने टाइप का होता है, सोचो। बिल्कुल, माइक्रो और मैक्रो। तो देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली देर आर टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड माइक्रो एंड नंबर टू इज कॉल्ड मैक्रो। माइक्रो में जो आप ये आई देख रहे हैं, दिस आई इंडिकेट द इंडिविजुअल एंड दिस ए इज कॉल्ड एग्रीगेट, इसे हम बोलते हैं एग्रीगेट। अब ध्यान देना, माइक्रो और मैक्रो इसके दो पार्ट हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, और मैक्रो के अंदर होल एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। जैसे आपके घर के अंदर अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और आपके घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका सलूशन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो, तो दिस इज कॉल्ड बी अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट बात करते हैं पूरी नेशन की, तो पूरे नेशन की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम इसकी डिफाइन लिखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो की डिफाइन क्या क्या बनेगी। तो एक काम करो, इस पूरे को रब कर दो, ठीक है, मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ। और अब आपको डिफाइन लिखवाता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ध्यान देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच डील विच डील विद द बिहेवियर ऑफ द बिहेवियर ऑफ सिंगल पर्सन, या फिर आप इंडिविजुअली बोल सकते हो, सिंगल पर्सन की जगह इंडिविजुअल वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, इंडिविजुअल। इकोनॉमिक यूनिट आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स,
इसी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ पर छोटा सा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको बताया था मैंने कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट की होती है, माइक्रो और मैक्रो। तो जो मैंने अपनी डिफाइन बनाई है ना स्टार्टिंग की, वो इस तरीके से बनाई है कि इकोनॉमिक्स से दो ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो। तो वही मैंने लिखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब इसकी एक ब्रांच है जहां पर हम बिहेवियर, किसके बिहेवियर का स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक यूनिट की, एक सिंगल पर्सन की, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या क्या कर सकते हैं, किसी के भी नाम ले लो, अपने ले लो राम, श्याम, सीता, फर्म, हाउस होल्ड एक्सेट्रा, डिमांड सप्लाई भी हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो माइक्रो इकोनॉमिक्स को। देन अब हम आते हैं अपने पास, ये था हमारा पार्ट वन माइक्रो। अब सेकंड पार्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था कि ये किसके बारे में होता है, होल नेशन के बारे में। देखो मैं अपनी डिफाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा थोड़ी देर तक। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी